अस्सलाम वालेकुम गाइस, कुक विद लव में आज आपका वेलकम है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बास्केट चाट। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी बन जाती है और बच्चों को बड़ों को पार्टी में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और मेरी चैनल को अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर लीजिए। तो हम चलते हैं बनाने की ओर। हमने पहले लिया है इस बास्केट चाट के लिए पटेटोज, जिसमें हमने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और नमक और कुछ में डाल के रख दिया है। ये लिए हमने बारीक कटी हुई प्याज, ये 1 है। ये है बारीक कटे हुए टमाटोज, ये भी 1 है। ये है ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि इससे मैंने कैसे किया है। ये है इमली गुड़ की चटनी, ये है दही 1 कप जितना, और ये है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, और ये है हमारी सेव जो हम इसके ऊपर डालेंगे, और ये है चाट मसाला जो हम एंड में इसके ऊपर छिड़केंगे। तो हम पहले इस पे फिलअप करेंगे पोटैटोस। फिर हम इसमें फिलअप करेंगे ये ऑनियंस। फिर इसमें डालेंगे हम लोग टमाटोस। फिर इसमें हम लोग डालेंगे ग्रीन चटनी। हम लोग डालेंगे हमारी इमली गुड़ की चटनी। और फिर हम लोग इस पर डालेंगे दही। अगर आप दही नहीं खाते तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे इस पर थोड़ी थोड़ी सी कोरिएंडर। लास्ट में हम लोग डालेंगे सेव, और इस पर हम लोग थोड़ी सी डालेंगे चाट मसाला। तो हमारी है ये डिश रेडी। ये आप कभी भी बना सकते हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए, पार्टी के लिए। ये बहुत ही बढ़िया चाट बन के आती है, तो आप इसे बनाइए ज़रूर और ट्राई करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।